हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वासु स्वामी। सो आज हम जा रहे हैं जयनगर फोर्थ ब्लॉक। यहाँ बेंगलोर का चीपेस्ट स्ट्रीट मार्केट है। सो हम यहाँ ढेर सारी शॉपिंग करेंगे इस मार्केट में और मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो अब हम आ गए हैं जयनगर फोर्थ ब्लॉक के मार्केट में। सो यहाँ से ये पूरा मार्केट स्टार्ट होता है। मार्केट में एंटर करते ही हमको ये ज्वेलरी और फुटवेयर और क्लॉथ की ये बहुत सारी शॉप्स मिलेगी। सो यहाँ पर काफ़ी चीपेस्ट और रिजनेबल प्राइस में हमको ये प्रोडक्ट मिल रहे थे, मतलब फुटवेयर क्लॉथ जो भी चाहिए इन सब की प्राइस अलग अलग है एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। हर रेंज में आपको यहाँ पर, मतलब हर रेंज में यहाँ पर हमको ये क्लॉथ फुटवेयर मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये फिक्स प्राइस का टैग भी लगा हुआ है, मीन्स हम एक या दो आइटम परचेज करते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा बार्गेन नहीं करने देते। और ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो हम इजीली यहाँ पर बार्गेन भी अच्छे से कर सकते हैं। मतलब ये मार्केट ऐसा है कि आपको अगर शॉपिंग करनी है एकदम कम प्राइस में और ढेर सारी शॉपिंग करनी है कम प्राइस में तो इस मार्केट में एक बार विजिट ज़रूर करना। ये काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल चीपेस्ट स्ट्रीट मार्केट है बेंगलोर का। बाहर रोड पे तो बहुत सारी शॉप्स बनी हुई है ये फुटवेयर की, क्लॉथ की। सो अंदर आने के बाद में भी ये छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई है अंदर भी। सो यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी है। सो ज्वेलरी, फुटवेयर, क्लॉथ, हमें जिस भी टाइप की वैरायटी चाहिए यहाँ पे वो सारी है। मतलब बच्चों के, बड़ों के, मेंस, वुमेन्स सब की यहाँ पर आपको शॉप्स मिल जाएगी। टॉयज़ की, बुक्स की सारी शॉप्स है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं ये फुटवेयर देख रही हूँ, अगर मुझे मेरी साइज़ की मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि मेरी साइज़ की इजीली
फुटवेयर मिलती नहीं है क्योंकि मुझे साइज इशू होता है। सो यहाँ पे ये जो आप फुटवेयर देख रहे हो ये सारी 300 की है, मतलब वन पेयर 300 का। और आपको यहाँ पर घर के लिए कर्टन्स चाहिए तो आपको कर्टन भी मिल जाएंगे। और यहाँ पीछे की साइड में आपको मोस्टली फुटवेयर की शॉप्स ही मिलेंगी। जो हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे, जहाँ से हम एंटर किए थे वहाँ से हम बाहर नहीं निकले क्योंकि ये गोल गोल एकदम बुलबुलैया जैसा है। सो अंदर की साइड का पूरा मार्केट घूमने के बाद में हम फिर वापस रोड पे जो ये शॉप्स बनी हुई है यहाँ पर आ गए थे। जो हम जहाँ से एंटर किए थे उसके बैक साइड में हम वापस बाहर निकले हैं, तो एकदम गोल गोल बना हुआ है वो अंदर, पता ही नहीं कहाँ से बाहर निकलना है। सो हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर ये जो आप और यहाँ पे रोड पे आप ये मतलब क्लोथ का ढेर देख रहे हैं, मतलब टॉप और कुर्ती का, ये ओनली 150 के ही हैं, मतलब वन पीस 100 का और 50 का, अलग अलग प्राइस होती है इन सब की। सो ये जोर जोर से ऐसे चिल्लाते रहते हैं 50 100 50 100 में। सो इस इतने बड़े ढेर में अपने साइज़ का कपड़ा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है।
और यहाँ पर भी ये सारे टॉप्स 100 के हैं, मतलब स्वेटर भी है इनमें और टॉप्स भी है, वो सारे 100 के, और मैं अपने साइज़ का कुछ ढूंढ रही हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। पर इतने बड़े ढेर में अपने साइज़ का मतलब टॉप और कुछ निकालना बड़ी मुश्किल की बात है, मुझे यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। 2-3 पीस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, बट उनमें मुझे साइज इशू हुआ, वो ज़्यादा लूज थे मेरे तो मैंने वो परचेज़ नहीं किए। ये और इन क्लॉथ के अलावा यहाँ पर रोड पे मिट्टी के कंटेनर और मिट्टी के पीसेस जो हम शोपीस के लिए रखते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर मिल रहे थे। और इस मार्केट में मिनी शो का स्टोर भी है, सो मैं तो मिनी शो के स्टोर में फर्स्ट टाइम गई थी और यहाँ मिनी शो के स्टोर में काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर एंड यूजफुल पीसेस थे, मतलब ये इस टाइप के पीसेस हम मोस्टली ऑनलाइन देखते हैं, सो ये सब मिनी शो के शॉप में थे। और यहाँ पर आप भीड़ देखो, कितनी ज़्यादा भीड़ है, जगह ही नहीं मिल रही है कुछ देखने की, क्योंकि यहाँ पर 300 में 200 में ड्रेसेस और टॉप कुर्तीज़ मिल रही थी, जो कपड़ों का ऐसे बड़ा सा ढेर लगा होता है ना वहाँ पे, सो मेरा तो यहाँ नंबर ही नहीं है देखने के लिए, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे।
एंड अगर आपको ये स्ट्रीट शॉपिंग नहीं करनी है यहाँ से, मतलब ये 50-100 वाली शॉपिंग नहीं करनी है, तो यहाँ पर अच्छी अच्छी ब्रांडेड शॉप्स भी है, सो आपको यहाँ ब्रांडेड क्लॉथ भी मिल जाएंगे। और लड़कियाँ मार्केट जाए शॉपिंग करने के लिए और मार्केट में गोलगप्पे नहीं खाए तो उनकी शॉपिंग अधूरी रहती है। यस, मेरे हिसाब से तो ये बात एकदम सही है। मुझे तो मार्केट में गोलगप्पे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस मार्केट में मुझे कुछ अलग पीस मिला, तो मुझे ये वुडन के बच्चों के खिलौने और ये शो पीस मिले थे। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर से है, कितने ब्यूटीफुल है ना। सो ये मुझे यहाँ पे कुछ अलग सा दिखा। और इस मार्केट में पूजा के सामान के लिए भी अलग से शॉप्स बनी हुई है। ये भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनमें इन शॉप्स में भी काफ़ी ज़्यादा वेराइटी है पूजा के सामान के लिए। मतलब हमें जिस टाइप का जो भी पूजा का सामान चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स बनी हुई है पूजा के सामान के लिए। ये सारे 250 के ही हैं क्या? सब 250 के? सो गाइज, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में वीडियो को शेयर करना।